पानीपत में फिर से किरायेदार ही जान के ऐसे दुश्मन बने कि न केवल फिरौती का शर्मनाक खेल खेला, बल्कि फिरौती लेने वाले अपने आश्रय दाता के खून से अपने हाथ रंग लिए। ज्ञात रहे कि कानपुर का निवासी सलमान पानीपत की शास्त्री कॉलोनी के रहने वाले बाइक मैकेनिक सादाब का किरायेदार रहा। किराए पर रहते सलमान को लगा कि सादाब की कमरे किराए पर देने से अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। जाहिर है उसके मन में लालच आ गया। वह इस फिराक में रहने लगा कि कब सादाब को अपना शिकार बनाया जाए। सलमान ने गांव महराना की विजय फैक्ट्री में रहने वाले श्रमिकों संजय व गौरव को अपनी योजना में शामिल करते हुए सादाब को फोन करके बुलाया और उसे विजय फैक्ट्री ले गए। बेचारे सादाब को कहां मालूम था कि उसके यकीन को दगा देने वाले दरअसल उसकी जान के दुश्मन बनेंगे। बहरहाल फैक्ट्री के एक कमरे में ले जाकर उन्होंने सादाब को बंधक बना लिया और इसी कसमकस में सादाब के सिर में चोट मार दी। बाद में सादाब के फोन से बदमाशों ने सादाब की माँ को 5 लाख की फिरौती मांगी और 3 लाख रुपए में वे सादाब को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बदमाश इस कदर डर गए कि उन्होंने सादाब का कत्ल कर उसकी लाश नहर में डाल दी और सादाब का फोन बंद कर दिया। फोन बंद होने पर सादाब के परिजनों ने सारे हालात से पुलिस को अवगत करवाया। मामला CIA 2 के इंचार्ज दीपक रंगा को सौंपते हुए पुलिस हरकत में आई। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ी और साजिशकर्ता पुलिस के हत्थे चढ़ गए और अब पुलिस जोर शोर से शव की तलाश में जुट गई है। नहर के पानी को कम कराने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं 4 गोताखोर व 2 नाव लाश को ढूंढने में लगे हुए हैं। काश हर मकान मालिक अपने अपने घरों में रखे गए किरायेदारों की डिटेल पुलिस को मुहैया करा दे। अपराध पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। ये 2 फरवरी को 3 लड़कों ने एक लड़के को बुलाया महराना फैक्ट्री में और वो जानने वाले थे आपस में, क्योंकि वे ये 3 लड़के हैं जो क्रिमिनल हैं। ये पहले से उनके मकान में किराए पर रहते थे। उसको बुलाया और घर वालों से रैंसम मांगी। उस लड़के को जो शाबाद नाम का लड़का था उसकी चोट मार के उसकी हत्या कर दी और उसको बोरी में पैक करके और गोहाना रोड वाली नहर में फेंक दिया। उसमें 3 लड़के इन्वॉल्व थे, जिसमें से 2 लड़कों को हमारे CIA की टीम ने कल पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये लड़के सलमान नाम है, एक गौरव है और एक सलमान कानपुर का रहने वाला है और गौरव मेनपुरी का रहने वाला है। एक लड़का और इनमें शामिल था संजय नाम का, वो भी मेनपुरी का रहने वाला है, वो भी काबू नहीं आया। 2 को हमने काबू कर लिया है और उनकी निशानदेही पर हम डेड बॉडी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जिस विभाग का उसमें रोल रहता है वो हमारे साथ। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।